आप आशीष के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यदि आप विश्वास में काम करना नहीं जानते, आपको अपना मुंह खोलकर आशीष कहना होगा। विश्वास मुंह से काम करता है, आप जो कहते वही पाएंगे। आशाहीनता न कहे, ये कहते न रहे, जानते हैं कि क्या नहीं है। आपकी समस्या न कहे, कहे आशीष 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 आशीष, कहे कि आपके घर की सारी दीवारें उन आशीषों की आवाज से गूंजने वाली हो जाएं। I need the every hour, most gracious Lord, no tender voice like thine can be soft. प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है। सब लोग कहे धनी बनाती। इसका अर्थ है कुछ समस्या है आपको धनी बनाने में। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने इसकी कोशिश की, उसकी कोशिश की, उन्होंने यहां और वहां काम किया, लेकिन ये उनके लिए काम नहीं कर रहा था। उन्होंने काम किया पसीना और पसीना बहाया और उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत काम किया, बहुत कम पैसा मिला। तो कुछ तो है ऐसी सामर्थ जो उनसे बढ़कर है, उसे आना होगा कि उन्हें धनी बनाना होगा। ऐसी सामर्थ होनी चाहिए जो उनसे परे हो, क्योंकि उन्होंने अपनी सामर्थ से सब कोशिश कर ली, मसल से कोशिश कर ली है, उन्होंने सब कोशिश कर ली अपने दिमाग से, बुद्धिमत्ता से, पढ़ाई से, वो काम नहीं कर रहा। बहुत से लोगों ने कोशिश की और कोशिश की और परेशान हो गए हैं, जानते हैं अंत में। लेकिन प्रभु की आशीष वो सामर्थ्य जो आपकी सामर्थ से परे है, जो आकर आपको धनी बनाती है, या आपको तंदुरुस्त बनाती है, या आपको सफल बनाती है, या आपको संपन्न बनाती है, ये वो सारी चीजें बनाती है जो आपके जीवन में पहले से नहीं हो सकती। ये धनी बनाती है, इसका अर्थ है इसके अंदर योग्यता है प्रभु की। प्रभु की आशीषों के अंदर ऐसी सामर्थ होती है कि सबको आपके लिए काम करने लगा है। इसलिए बाइबल कहती है कि धन्य है वो मनुष्य जो दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करता है। वो बहती नदी के किनारे लगाए पेड़ जैसे होगा, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते, वो अपनी ऋतु में फल देता है, और वो जो भी करता है वो सफल होगा, क्योंकि आशीष काम कर रही है। धन्य वो मनुष्य, ओ वो आशीषित व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रेम करता है। भजन 112 ठीक है, धन और संपत्ति उसके घर में होगी। देखिए क्या उत्पन्न करता है, आशीष उत्पन्न करती है आशीष। आप भजन 112 पढ़िए, हमने इसका अध्ययन किया है। पहला वचन है कि वो व्यक्ति कैसे आशीष पाया, क्योंकि वो प्रभु के वचन से प्रेम रखता है। वो व्यक्ति आशीष पाया क्योंकि उसमें वचन है। ये बाकी वचन बताते हैं कि वो कैसे नहीं डरेगा, कि कैसे जब वो बुरी खबर सुनता है तो वो नहीं डरेगा, जब सब बुरा होता है तो भी वो नहीं डरेगा।
वो परिस्थितियों से नहीं डरता है। ठीक है, धन और संपत्ति उसके घर में होगी, उसका वंश सामर्थी होगा, उसकी संतान इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, उसका वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। प्रभु की आशीष इसे करती है, यानी इसमें कुछ करने की सामर्थ है, धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य। इसलिए कहता कि प्रभु की आशीष धनी बनाती है। केवल धनी ही नहीं बनाती मेरे दोस्तों, यहां धन बताया गया लेकिन आप बहुत सी चीजें रख सकते हैं इसमें, इसमें सामर्थ है। यह केवल धनी नहीं बनाती है, यह सब कुछ बनाती। प्रभु की आशीष आप जो चाहे बना सकती है, आपको जो भी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया था, यानी आशीष वहां थी, परमेश्वर ने उसे चीजें नहीं दी, उसे आशीष दी। उसने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आमीन। अब्राहम सब कुछ छोड़कर आया था, अपना नगर छोड़कर आया था, देश छोड़कर आया, माता पिता छोड़कर आया। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये क्या है भाई, उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर और सब कुछ छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, और आप कह रहे प्रभु आशीष दे। आप नहीं जानते आशीष में कितनी सामर्थ्य है। जब प्रभु कहता है कि तुम्हें आशीष देता हूं, मैं आशीष बनाता हूं, तुरंत ही आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि तुरंत ही आप देख सकते हैं कि आशीष काम करने लग गई। ये उसके लिए धन उत्पन्न करने लगी, क्योंकि प्रभु ने कहा आशीष देता हूं, तू सब कुछ छोड़कर आया, आशीष देता हूं। इसका अर्थ है जो भी चाहिए सब पाएगा, अब से आगे किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी यही समस्या थी। इब्राहिम के लिए धन संपत्ति ही नहीं लाया, इसने सारा की कोख में बच्चा भी लाया। वो बांझ थी, ये नहीं हो सकता था, उसकी कोख में बच्चा नहीं आ सकता था, उसकी कोख गर्भ धारण करने लायक नहीं थी। शायद उन्होंने हर संभव कोशिश की होगी, ये नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा प्रभु की आशीष उस संतान को बनाती है, ये कोख को संपन्न बनाती है, ये बांझ की कोख को फलवंत बनाती है, ये इसे बनाती है। प्रभु की आशीष इसे काम करने देगी, ये उसे काम करने देगी। मेरे दोस्तों, आपको इस तरह काम करने देना है, इसे कहे। आपको प्रभु की आशीष चाहिए, आमीन। कई बार जब किसी की शादी होती है और 10 महीने में बच्चा हो जाता है, तो आप सोचते हो मैं कितना महान आदमी हूं। कुछ पुरुष पागल होते हैं। वो कहते हो मेरे प्रभु मैं बहुत महान हूं, सिकंदर महान जैसे। देखिए बच्चा पैदा कर दिया। जैसे मानो उसने जाकर बच्चा पैदा करने के लिए महान काम कर दिया। प्रभु की आशीष मेरे दोस्तों, जब कोई बच्चा नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि यह ऐसा नहीं है जिसे मैं करता हूं, यह तो ऐसा है, यह ऐसा है जो परमेश्वर को मुझे आशीष देनी होगी। आशीष काम करनी चाहिए, आशीष ही सारी मुश्किलें दूर कर दे, आशीष सारी रुकावट दूर कर दे, आशीष वो सब कुछ दूर कर दे जो मार्ग में रोकती है और असंभव बनाती है। आशीष ही इन चीजों को दूर कर दे जिसके कारण ये नहीं हो रहा है। आशीष, मुझे प्रभु की आशीष चाहिए। आशीष सारी चीजों को दूर कर देगी, ये उसे गर्भवती कर देगी। प्रभु की आशीष यानी ये अब्राहम के लिए धन थी, सारा के लिए गर्भ धारणा करना था, बच्चा पैदा करना था, इसहाक के लिए उसके दिनों में अकाल पड़ा, सब देश से जा रहे थे, हर जगह भाग रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ा था, कोई पानी नहीं था, किसी कुएं में पानी नहीं था, लेकिन हर जगह जहां पर इसने कुआं खोदा पानी था। देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग चीजें, जैसे कहते हैं अलग बॉल के लिए अलग स्ट्रोक्स, यानी ये अलग बात थी। देखिए सारा के लिए बच्चा था, इब्राहिम के लिए धन था, इसहाक के लिए पानी था, याकूब के लिए ये तो मेमनों का और भेड़ों का बहुगुणन था। देखिए उसने 20 साल तक ससुर के लिए काम किया और ससुर उसे खाली हाथ भेजना चाहता था, खाली हाथ। ये दोनों लोग बुरे थे, देखिए एक दूसरे के लायक थे, लेकिन लेकिन बात तो ये है, मैं बताऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रभु आपको इसलिए आशीष नहीं देता है क्योंकि आप अच्छे हैं, वो आपको आशीष देता है क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। उसने निर्णय लिया, याकूब ने निर्णय लिया। देखिए वो किसी तरह से कुछ भी करके पाना चाहता था, वो तो धूर्त व्यक्ति था, वो ये करता वो करता, ऐसा करता, पीठ फिरते ही जैसे कुछ युक्ति करता, इस तरह का वो व्यक्ति था। और उसने जीविका के लिए सब कुछ करके देखा और अंत में एक निष्कर्ष निकाला, ओ ये काम नहीं करता, ये बहुत मुश्किल है, हर समय झूठ बोले, धोखा दे,
यहाँ से वहां भागे, हर समय छिपते रहे, हर समय अपने लिए हर तरह के बुरे काम करते जाएं, ये काम नहीं करता। एक दिन उसने प्रभु से कॉन्ट्रैक्ट किया, कहा प्रभु मुझे जो भी मिलेगा मैं उसका 10वां भाग तुझे दूंगा। आप कहेंगे ये क्या है भाई, ये तो इसलिए क्योंकि अंत में उसने जाना कि उसकी युक्ति और योजना से पैसा नहीं मिल रहा है, ये प्रभु की आशीष से पैसा आ रहा है। तो ये उसकी कमाई का पहला 10वां भाग, सबसे पहला भाग जब वो कमाता है, वो पहला भाग उठाता है और प्रभु को उसे दे देता है, और इससे वो पहचानता है कि ये मैं नहीं, मेरी मेहनत, मेरा पसीना नहीं, मेरा काम, मेरी युक्ति, ये सब नहीं है, ये तो प्रभु तेरी आशीष है जो मुझे धनी बनाती है। वो कहता है मेरे पास जो भी उसका 10वां भाग तुझे देता हूं। और जब समय आया, आशीष काम करने लगी, ससुर उसे खाली भेजना चाहता था, और मैं आपको बताऊं भेड़ों ने रंग बिरंगे और चितकबरे मेमने जन्मे, बिना रंग बिरंगे और चितकबरे मेढ़ों के बिना ही चितकबरे मेमने जन्मे, ये चमत्कार है, चमत्कार हुआ। और उसकी भेड़ बढ़ती गई और उसके मेमने और भेड़ उसके ससुर की भेड़ों से बेहतर थे। जब वो गया तो उसे 2 झुंड बनाने पड़े कि उस जगह से जाए, क्योंकि उसके पास बहुत था। सब लोग कहे बहुत ज्यादा, परमेश्वर बहुत कम नहीं देता। और मैंने जीवन भर यही सुना, यदि तुम्हें 10 रुपए चाहिए तो प्रभु तुम्हें 5 रुपए देगा कि तुम उसके पैर को पकड़े रहो। लेकिन मैंने पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ा है, पढ़ता हूं पहले पन्ने से मैंने खोल कर पढ़ा, परमेश्वर ने 1000 फल देने वाले पेड़ और 7 पात बनाए और 1 मनुष्य को वहां रखकर कहा मैंने ये सब तेरे खाने के लिए बनाया है, 1 मनुष्य के लिए इतना कुछ। प्रभु कहता है मैं अलश्रदाय प्रभु हूं, बहुत ज्यादा, मुझे छोटी चीजें बनाना नहीं आता। वो बहतायत का प्रभु है, 1 मनुष्य के लिए उसने परवाह नहीं की। वहां 1000 फलदायी पेड़ थे, ठीक है, 4 नदियां बह रही थी, सोना जमीन के नीचे था, सब कुछ 1 मनुष्य के लिए, 1 मनुष्य। देखिए सारे आत्मिक लोग इससे शिकायत करेंगे, बहुत ज्यादा है प्रभु, बहुत ज्यादा है, तूने इसे 1 आदमी पर इसे बर्बाद कर दिया है। प्रभु कहता है ठीक है, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं ऐसा ही हूं। बाइबल कहती है प्रभु मेरी हर जरूरत पूरी करता है, मेरी जरूरत के अनुसार नहीं लेकिन उसके धन के अनुसार, मसीह यीशु में महिमा के धन के साथ। देखिए वो ऐसा ही है। यदि आपको समस्या है तो जाकर उससे लड़िए, मेरे साथ में नहीं। प्रभु ऐसा ही है, वो भरपूरी का प्रभु है, वो अलशदाय है, वो पर्याप्त से बहुत बढ़कर है, वो केवल काफी नहीं। कुछ लोग तो बस जैसे तैसे काफी में रहते हैं, कुछ लोग केवल काफी में ही रहते हैं, कुछ लोग तो पर्याप्त से थोड़ा ज्यादा में रहते हैं, लेकिन मैं पर्याप्त से बहुत बहुत ज्यादा में रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु अलशदाय है, अलशदाय, बहुत बहुत ज्यादा से कुछ कम नहीं। और आपका प्रभु भी ऐसा ही है, उसे मत रोकिए। देखिए याकूब के लिए तो भेड़ों का बहुगुणन था, उसके बेटे यूसुफ के लिए और भी कोई बात थी। उसे गड्ढे में फेंका गया, आशीष ने उसे गड्ढे से निकाला, उसे पोतीफर के घर में रखा, वो वहां ऊंचाइयों पर गया, वो वहां मुख्य व्यक्ति बन गया। फिर उन्होंने योजना बनाकर उसे जेल में फेंक दिया, उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, जेल में वो नंबर 1 पर आ गया, हर जगह प्रमोशन। आशीष ऐसी ही है, आप इसे नीचे नहीं रख सकते। जिस व्यक्ति के जीवन पर आशीष है, प्रभु की आशीष ही उन्नति लाती है। आप जहां भी जाए, आप जो भी करें, आप ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु की आशीष आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। यहां तक कि जेल में वो नंबर 1 पर था, और जब वो जेल से निकला वो राजा के बाद दूसरा व्यक्ति हो गया, देश में नंबर 1। बस यही, मैं माफी चाहता हूं, वो राजा के बाद नहीं था। उसने एक जगह कहा बहुत सुंदर रूप में, फिरौन के ऊपर उसने मुझे पिता के रूप में नियुक्त किया है। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे फिरौन का पिता बना दिया है, मेरे बिना वो खाना नहीं खाएगा, उसने कहा। यही इसका अर्थ है, मेरे बिना वो धनी नहीं हो सकता, मेरे बिना इस देश में अनाज नहीं होगा। ये मेरी बुद्धि है जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मेरा प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जिसके कारण फिरौन और ये देश जीवित है, ये सब मरकर चले जाते, ये मैं हूं, मैं फिरौन के लिए पिता जैसे हूं, उसने कहा। हेलो,
क्या आपने जाना कि आशीष क्या है, महसूस किया आशीष क्या है? मुझे आशीष पसंद है, सब लोग कहे मुझे आशीष पसंद है। आशीष, प्रभु की आशीष, प्रभु की आशीष, मैं अपना मुंह खोलकर इसे हजार बार कहना चाहता हूं प्रतिदिन, प्रभु की आशीष, मैं प्रभु की आशीष पाया हूं, मैं प्रभु की आशीष पाया हूं, मेरे सिर से पैर तक मैं आशीष पाया हूं, मैं अपनी आत्मा में आशीषित हूं, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे धन में, हर चीज में आशीष आशीष आशीष, असीम रूप में आशीषित हूं मैं आशीषित हूं। आप इसे जितना समझेंगे उतना आशीष के विचार को पसंद करेंगे, प्रभु की आशीष। ये आपको ऊंचाई पर ले जाएगी, आप इन्हें नीचे नहीं गिरा सकते, यह आपको कर्ज से बाहर निकालेगी। आप उसे सिंह की गुफा में फेंक दें, वो अगले दिन बाहर आकर आपको देखेंगे। सिंह को क्या हुआ? खैर, आशीष तो सिंह से बढ़कर है। आप उन्हें आग की भट्टी में फेंक दें, वो सब अगले दिन बाहर आ जाएंगे। उन पर आग की गंध भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु की आशीष उन्हें छूने नहीं देगी, उस आग को उन्हें छूने नहीं देगी, उस आग को, प्रभु की आशीष। हेलो, क्या आज आप खुश हैं? अपने हाथ उठाकर कहें मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे यह आशीष आप तक पहुंची और मसीह में यह आशीष आप तक कैसे आई, लेकिन बात तो यह है मेरे दोस्तों, आप आशीष के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यदि आप विश्वास में काम करना नहीं जानते, आपको अपना मुंह खोलकर आशीष कहना होगा। विश्वास मुंह से काम करता है, आप जो कहते वही पाएंगे। आशाहीनता न कहे, ये कहते न रहे जानते हैं कि क्या नहीं है। आपकी समस्या न कहे, कहे आशीष 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 आशीष, कहे कि आपके घर की सारी दीवारें उन आशीषों की आवाज से गूंजने वाली हो जाएं, और आशीषों के शब्द को, आशीष के शब्दों को अपने घर पर कहे, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, आप जो भी करते हैं उस पर, जो बिजनेस आप करते हैं, आपके हाथों के कामों पर, हर चीज पर आशीष कहे, आशीष आशीष। विश्वास को उस दिशा में लेकर आए, जो दिल में भरा है वो मुंह बोलता है। अपने दिल को आशीष के विचार और प्रकाशन से भर दे, इसे प्रतिदिन कहे, आशीष कहते जाए। आमेन। कुछ लोग कहते हैं इसे क्यों कहे, प्रभु जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? जब हम गणित सीखते हैं, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन गणित हमेशा मेरे लिए परेशानी की बात थी। वो मुश्किल था, मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा गणित में, जानते हैं? तो देखिए, गणित ऐसा ही है जैसे आपको टेबल लेकर उसे जोर से बोलते जाना है, तब वो भीतर जाता है। जब आप उसे जोर से कहते तब ये आपके अंदर जाने लगता है। यानी जब अगली बार आप दुकान में जाते हैं और वो कहते हैं 2 रुपए का है ये एक और ये कुल 8 हैं, तो आप तुरंत जानते हैं कि 16 हुए, क्योंकि आपने इसे पहले ही हजार बार कहा है। आप उसे बैठते हुए कहते हैं, जानते हैं, अपनी छत पर, अपने टेरेस पर, अपने घर में इसे हजार बार कहते हैं, 8 × 2 यानी 16, और आपने इसे अपने कंप्यूटर से निकाला है और इसे बाहर आने देते हैं। आमेन। यानी आप इसे कहते इसलिए नहीं कि प्रभु जान ले, प्रभु इसे पहले जानता है, उसने इसे कहा है। आप इसे कहते कि आप इसे जाने, और जब आप इसे जानते हैं तो कहना बंद न करें, क्योंकि शैतान को यह जानना है, शैतान को जानना होगा, क्योंकि शैतान ही सबको इस बारे में अंधकार में रखता है। वो सबकी समझ को अंधकार में लाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि यह आशीष में चले। जो भी आशीषित है वो उनकी आशीष रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप प्रभु की आशीष में चले। वो आपके मन को भरना चाहता है गड़बड़ी और सवालों और संदेह से, इन चीजों से, इसके बजाय कि आप प्रभु की आशीषों पर विश्वास करें। जबकि आप इसे सुन रहे हैं, आप विश्वास से भरे हैं, लेकिन जब आप यहां से बाहर जाएंगे, वो आपकी समझ को बंद करना चाहेगा, प्रभु की आशीष के बारे में संदेह लाना चाहेगा। वो नहीं चाहता कि आप आशीष को थाम ले, वो नहीं चाहता कि आप आशीष में चलने के लिए ठान ले। देखिए, यदि आप आशीष पर विश्वास करेंगे, यदि कोई मनुष्य आशीष पर विश्वास करने लगता है, यदि वो झोपड़ी में रहे तो उससे नफरत करने लगेगा और कहेगा, यीशु के नाम में मैं इस गंदगी से निकल जाऊंगा, जल्दी मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि यह मेरे लिए जगह नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, बहुत से विश्वासी कहते हैं, प्रभु ने मुझे यही जगह दी है, क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं बताया। कई बार महीने की पहली तारीख को मीटिंग होती है, वो चर्च में प्रभु की प्रतिज्ञा बताते,
यानी पहली तारीख को जाएं, पहली तारीख को खास मीटिंग में कहते, सियोन से प्रभु तुम्हें आशीष देगा। फिर अगले हफ्ते सभा में जाए यानी रविवार के दिन, तो वो कहेंगे सिर से लेकर पैर तक प्रभु आपको दंड देगा। आप जाकर कहें पास्टर पिछले हफ्ते आपने कहा था प्रभु आशीष देगा, वो महीने की पहली तारीख थी, वो प्रतिज्ञा दे रहा था, अब ये क्या हो गया, अब यहां समस्या से निपट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहां आप पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते आए, तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते आए, हमेशा आशीष 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 का ये चर्च है, यहां केवल आशीष है, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। जब आप इसका प्रकाशन पाएंगे तो आप उससे पीछा छुड़ा लेंगे जो आपके अंदर रहता है, जहां आप कहते हैं ये ठीक है, मैं इसे सह लूंगा, मैं इसी तरह जी लूंगा। नहीं, आप प्रभु पर विश्वास करने की हिम्मत करके इससे बाहर आए, निकल आए। आमीन। आना ही होगा, आपको आना ही होगा। शैतान को जानना होगा कि आप ये जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सिरहाने में बाइबल रखी तो शैतान घर में नहीं आएगा। मुझे याद है एक भाई ने बाइबल सामने ही रखी थी, दरवाजा खोला वहां बाइबल थी। मैंने कहा ये क्या है भाई, उसने कहा यदि शैतान आए तो सबसे पहले बाइबल देखेगा और चला जाएगा। मैंने कहा उसने बहुत जगह बाइबल देखी है, वो इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास बाइबल है। वो जानता है कि इसे बाइबल पता नहीं, क्योंकि आपका मुंह खोलते हैं और आप हमेशा नकारात्मक बोलते हैं, हमेशा हार कहते हैं, हमेशा गरीबी कहते हैं, हमेशा कमी घटी और ये सब कुछ कहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं कि प्रभु ने आपकी जरूरत पूरी नहीं की है, ये सब कहते हैं। शैतान इसे सुनता है और नरक की कमेटी मीटिंग होती है और उनके लिस्ट में वो आपका घर जोड़ लेते हैं। वो जानते कि आपका घर अच्छा घर है कि वो आकर रहने लगे। अच्छा है कि बाइबल की तरह आप बोलने लग जाएं, आशीष कहने लग जाएं। शैतान मेरे घर में ये कहते हुए नहीं आएगा ये वहां पर मत जाना क्योंकि वहां पर पास्टर है। नहीं, उसे परवाह नहीं कि मैं पास्टर हूं। यदि वो आए तो मेरे मुंह में वचन देखना चाहिए, दिल में वचन होना चाहिए, घर में वचन गूंजना चाहिए, तब वो कहेगा उनके पास मत जाना। आइए खड़े हो जाएं, समय खत्म हुआ। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। आशीष तो मसीह यीशु में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले हफ्तों में तू हमें इन चीजों का प्रकाशन देता चला जाएगा, हम प्रभु की आशीषों में चलते जाएंगे, क्योंकि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही ये तेरी योजना थी कि हम तेरी आशीषों में चलते जाएं। हे प्रभु, हम आशीष के लिए बनाए गए हैं और तूने अपने आशीष कही और तेरा वचन नीचे नहीं गिरता है। तूने जो भी कहा है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तू सच्चा है, पूरा सच्चा है और कभी झूठ नहीं कहता। ये सब पूरा हो जाए और हम वो आशीष पाए जो प्रभु ने कही है। हम खुद उसे कहने के द्वारा है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते और मांगते हैं कि हर दिल इन बातों से भरते जाए और ये निपटे अपनी समस्याओं से, चुनौती से, जिनका जीवन में सामना कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये आशीषित हैं और ये आशीष का कोट पहने हैं और ये ऊपर से सामर्थ पाए हैं। इनके पास सामर्थ है कि हर जरूरत पूरी हो, समस्या दूर हो जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। Thanks be to God, who always causes us triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome, hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Us to triumph in His name. Thanks be to God, who
prepares us to win. Yeah, thanks be to God, who over the sky sends us to triumph in His name. Thanks clap be our hands and say, thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, hallelujah, we have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in Your name. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. You're the one.